आप सभी दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी मैं बैठ करके आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था। जो मैंने 10th और 12th पास जॉब बताए थे पिछली वीडियो में, उसको कई सारे लोगों ने देखा और कई सारे लोगों ने उसी पे कमेंट किया था। जो मैंने फैक्ट्री वर्कर के जॉब के बारे में बताई थी कि आप फैक्ट्रीज़ में एज ए हेल्पर, एज अ पैकेजिंग वर्क आप कर सकते हो US में, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं US में या फिर पार्ट टाइम काम करते हैं, वो अधिकतर लोग इंडस्ट्रीज़ में या फिर किसी फैक्ट्रीज़ में एज अ पार्ट टाइम हेल्पर के तौर पर, पार्ट टाइम पैकेजिंग के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। और इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है। इस काम को करने के लिए आपको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ती हैं, जो आपको अगर आपके पास हैं तो आप आराम से काम कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जो मतलब मैक्सिमम अमाउंट जॉब जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो यही काम करते हैं, क्योंकि यूके अमाउंट में इसकी डिमांड होती है और इसको आपको ये जॉब आसानी से मिल जाता है, इसको खोजने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने जो 10th और 12th पास वाली वीडियो बनाई थी उसको भी आप देख सकते हो, मैं लिंक नीचे दे दूंगा। उसमें मैंने कई सारी 10th और 12th पास जॉब से रिलेटेड चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो फैक्ट्री वर्कर का काम करने के लिए बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, कितनी सैलरी मिलती है ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें, तो अगर आप एज अ पार्ट टाइम काम, क्योंकि अधिकतर आपको पार्ट टाइम, क्योंकि आप स्टूडेंट हो तो आपको ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा देर तक काम भी नहीं कर सकते आप, 4 से 5 घंटे या फिर 3 घंटे, आप जितने देर काम कर लोगे आपका एज अ खर्चा निकल जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, आप पर घंटे के लगभग $15 से $20 आराम से अर्न कर सकते हो एज अ फैक्ट्री वर्कर, ठीक है। और रिक्वायरमेंट्स की बात करें, तो आप अगर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट पे एक लिमिट होता है कि आप हफ्ते में 50 घंटे 40 घंटे एज अ वर्कर काम कर सकते हो, ठीक है। तो एक लिमिट पर इतना वीज़ा के साथ आपको मिलता है, वो आपको एक डिटेल वीडियो में आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो मैं बता दूंगा, आगे कमेंट कर देना आप लोग, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है, रिक्वायरमेंट बेसिकली ये होती है कि आपके ऊपर किसी टाइप का केस या क्राइम ऐसा कुछ ना हो, आप मिनिमम 12th पास हो, 10th या 12th, ठीक है, 10th की डिग्री 12th की डिग्री आपको अच्छे से हो, स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है। फिर नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करो। छोटी सी वीडियो थी, बस यही लोग कमेंट कर रहे थे कि फैक्ट्री वर्कर की सैलरी के बारे में बताओ, कि अगर उनको काम करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। आप 10वीं 12वीं पास हो, आपके ऊपर कोई केस क्राइम ना हो, इंग्लिश रिक्वायरमेंट होती है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में अगर डाउट हो तो कमेंट करो।